प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इन होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इन तीनों में हम एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करके देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें इम्प्लीमेंट करती है या नहीं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इन होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर डेट आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। ओके, वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ओके, फर्स्ट एडिशन। अगर हम टू होल नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल 7 + 4, 7 और 4 होल नंबर है, 7 + 4 11, तो हमें क्या मिलता है? एक होल नंबर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। अगर हम टू होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वह नेगेटिव होगा। ओके, कुछ सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकता है बट कुछ सिचुएशन में नेगेटिव होगा, तो हम क्या कहेंगे? दिस नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर हम टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल 5 × 2 = 10। ओके, तो 10 इज अ होल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट डिवीजन। अगर हम टू होल नंबर को डिवाइड करें तो हमें जो आंसर मिलता है वह फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर इन विच नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो हम उन्हें इंटीजर्स कहेंगे। ओके, तो फर्स्ट एडिशन। अगर हम टू इंटीजर्स को ऐड करें, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक इंटीजर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। अगर हम टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वह एक इंटीजर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर हम टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें एक इंटीजर मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट डिवीजन। अगर हम टू इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर नहीं मिलता है, ओके, तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, इंटीजर आर ओनली क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म पी बाई क्यू, एंड पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। फर्स्ट एडिशन। अगर हम टू रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें जो आंसर मिलता है वह रेशनल नंबर है, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। अगर हम टू रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो आंसर मिलता है वह रेशनल नंबर है, ओके, तो हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर हम टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिलता है वह रेशनल नंबर है, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन बट अगर हम टू रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके, क्योंकि a डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ओनली एडिशन and subtraction or multiplication but not closed under division।
तो हमने आज इस वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।